गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है विलियन चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसमें मैं आपको 5 पार्ट करा चुका हूं। आज पार्ट नंबर 6 की बारी है। पार्ट नंबर 6 में हम 600 का ध्रुवों में विलयन किस तरह से होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी ताप पर, किसी द्रव की निश्चित मात्रा में एक निश्चित ही ठोस की मात्रा का विलय हो सकता है। वो कैसे, हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर हमने लिया और जल की मात्रा ले ली हमने, कोई निश्चित मात्रा, कुछ भी ले सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर जो मर्जी, ठीक है, निश्चित मात्रा ले ली, निश्चित टेम्परेचर ले लिया। अब हम उसमें उस चीनी को घोल रहे हैं, हम उसमें चीनी को घोलते रहेंगे, एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसमें चीनी घुलना बंद हो जाती है। और उसमें चीनी घुलना जैसे ही बंद हो जाती है, जैसे आप और चीनी डालोगे तो वो उसमें घुलेगी नहीं, उसकी मात्रा उसमें बढ़ती जाएगी, घुलेगी परंतु चीनी उसमें नहीं घुलेगी। तो इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इस तरह का जो विलयन है जहां पे मैक्सिमम मात्रा होती है आपकी घुलने की, उस तरह के विलयन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, संतृप्त विलयन है क्या, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को घोलना संभव न हो उस ताप पर संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कोई भी टेम्परेचर हो आप निश्चित कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये है कि फाइनल स्टेज जो है ना किसी भी विलेय की, जो उसमें घुल रहा है विलेय, उसकी जो फाइनल स्टेज है वहां पे अगर विलयन पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, जहां पे आपको और अधिक मात्रा। और विलेयता और संतृप्त विलयन एक दूसरे के पूरक है, वहीं से विलेयता की डेफिनेशन बनती है। विलेयता क्या कहती है, सॉल्युबिलिटी। देखो विलायक की एक निश्चित मात्रा, कोई विलायक है उसकी कोई निश्चित मात्रा है, कुछ भी हो सकती है, में किसी निश्चित ताप पर घुलित विलेय की अधिकतम मात्रा, बिल्कुल वही कह रहा है, घुलित विलेय की अधिकतम, अधिकतम तो वही है ना जहां पे जो विलेय होना बंद हो जाएगा, अधिकतम तो वही है कि अधिकतम मात्रा को उस ताप पर विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। मतलब कहने का यह है, सीधे सीधे मैं आपको एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। कोई टेम्परेचर मान लिया हमने 25°C ले लिया और हमने जल ले लिया 1 लीटर, उस पर आप चीनी डाल, चीनी आप डालते गए, उसमें आपने पहले 5 ग्राम चीनी डाली घुल गई, 10 ग्राम डाली घुल गई, फिर 15 डाली घुल गई। इसी तरह से मान लेते हैं आप 100 ग्राम चीनी डाल रहे हो या आप 200 ग्राम भी चीनी डाल रहे हो, इसी तरह से घोलते घोलते मान लिया एक लिमिट आ जाती है, ठीक है। वो तो देखो आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि वो किस लिमिट पर जाके घुलना बंद करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने 1 लीटर पानी में 0.5 किलो चीनी डाल दी और 0.5 किलो तक वो घुल चुकी, फाइनल स्टेज है उसकी, उसके बाद वो घुलना बंद कर देती है, तो इस तरह का विलयन जो है वो तो कहलाएगा आपका संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड। और जो वो मात्रा है चीनी की 500 ग्राम वो आपकी विलेयता है, क्योंकि जो विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा है उसी को विलेयता कहा जाता है। देखो ध्यान, विलायक की एक निश्चित मात्रा में किसी निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता, ठीक है। अब हम नोट में एक चीज देखेंगे कि एक संतृप्त विलयन में ठोस अवस्था में स्थित अणु, भाई संतृप्त विलयन है उसमें आपको दोनों तरह के अणु मिलेंगे, भाई ठोस अवस्था के रहेंगे और उसमें अगर आप जो आपने विलायक है आपका एक द्रव है, क्योंकि आप ठोसों का द्रवों में विलयन पढ़ रहे हैं और ठोस आपका विलय है तो उसमें कुछ मात्रा में विलय है, विलय उसके द्रव के भी होंगे। तो देखो आप एक संतृप्त विलयन में ठोस अवस्था में स्थित अणु, ठोस अवस्था में स्थित अणु तथा विलयन में जो विलयन रहेगा उसमें उपस्थित अणुओं के मध्य है, विलयन में कैसे द्रव वाले अणु में एक गतिशील साम्यावस्था होती है, ठीक है। तो कैसे होती है, भाई ठोस जो है, जो विलयन में ठोस पड़ा हुआ है वो रिवर्सिबल और जो इक्वल टू है ठोस एगुलित। मतलब कहने का ये है कि वो तब तक चलता रहेगा कि जब तक वो बराबर ना हो जाए, दोनों की दर बराबर ना हो जाए, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। बराबर दर मतलब जहां पे वो घुलना बंद हो जाता है, नीचे मैंने बताया है कि घुलन दर इक्वल टू अक्षेपण दर, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब सीधा सीधा बात ये है
कि ये इसके बराबर कब होगी? भाई जब घुलने की दर उसके ना जो अवक्षेपण की जो दर होती है ऊपर जहां पर घुलना बंद हो जाता है वे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये आपका ठोसों का ध्रुवों में विलयन हो। डायग्राम देख सकते हैं आप, देखो डायग्राम में ये आपकी अवक्षेपण की दर है, ठीक है, ये आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, संतृप्त विलयन, मैंने आपको बताया संतृप्त विलयन क्या होता है, और ये जो पूरा डायग्राम है ये आपका है अघुलनशील ठोस। वो कैसे कि आपने इसमें यहाँ डिसोल्यूशन शुरू हुआ, आपने क्या काम करा इसमें चीनी डालते गए, कुछ चीनी इसमें घुल गई, अब देखो कुछ इसमें वापिस मतलब घुल नहीं पा रही है तो वो इसमें जमा हो गई है। नीचे लिखा हुआ है अनडिसोल्व सॉलिड, मतलब कहने का ये है कि जब विलयन संतृप्त हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है तो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। तो वही चीज इसमें यहाँ दिखा रखी है, चीनी ये घुले हुए दाने हैं, ठीक है, और यहाँ जो है ये क्या है एग्लोसिन। डायग्राम को आप अच्छे से बना सकते हैं। तो एक ठोस है वो जो द्रव में घुलता है उसके द्रव में विलयता है वो दो कारणों पर निर्भर करती है, दो पॉइंटों पर निर्भर करती है। पहला तो आपका है विलय तथा विलायक की प्रकृति और दूसरा है टेम्परेचर। दाब पर वो ज्यादा निर्भर नहीं करती है इसलिए हमने दाब को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मेनली जो है वो केवल दो ही है। नोट में मैंने लिख दिया है नीचे, देख सकते हैं कि एक ठोस की किसी द्रव में मिलेगा पर दाब का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो पढ़ते हैं विलय और विलायक की प्रकृति। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं परंतु अध्रुवीय विलायकों में वो नहीं घुल पाते। इसी तरह से अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं और अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुल पाते हैं। तो यही कंडीशन है, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन वे अध्रुवीय विलायकों में लगभग अविलय रहते हैं, ठीक है। इसके विपरीत अगर उल्टा ले हम तो अध्रुवीय पदार्थ जो है अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं एंड वाइस वर्सा, जो कंडीशन ऊपर आई है कि अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुल सकते। नोट, ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो किसी ध्रुवीय विलायक में एक ध्रुवीय पदार्थ की विलयता मुख्य रूप से जो निर्भर करती है वो उसके डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पर निर्भर करती है। तो डिपेंड क्या करती है कि जितना अधिक होगा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना अधिक होगा उसकी विलयता उतनी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि विलयता सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो मतलब कहने का ये विलय की जो मात्रा है वही तो हमारी सॉल्युबिलिटी है, वही तो हमारी विलयता है। तो इस बात पे निर्भर करती है, इसका मतलब हम जितनी मात्रा हम उसकी अधिक लेंगे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, मतलब जितने अणु लेंगे, चार लेंगे तो उसके हिसाब से, पांच लेंगे तो और अधिक, छह लेंगे तो और अधिक, तो उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि किसी विलायक में एक ठोस की विलयता पर, किसी विलायक में एक ठोस की विलयता पर ताप का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि जो घुलन प्रक्रिया है वो आपकी ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी, इस बात पर डिपेंड करता है। तो इसको हम किस नियम से समझ सकते हैं, 11th क्लास में आपको मैंने लास्ट अटेली का नियम पढ़ाया था उसके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, आओ देखते हैं इसके बारे में। तो लास्ट अटेली के नियम द्वारा हम इसको समझेंगे। अब तो लास्ट अटेली के द्वारा हम कैसे समझते हैं, दो कंडीशंस मैंने आपको बताई, एक तो आपकी ऊष्मा उत्सर्जन, ठीक है, और दूसरी आपकी है ऊष्मा अवशोषण। तो क्या कह रहा है, जब कोई पदार्थ ऊष्मा उत्सर्जन के साथ घुलित होता है, मतलब कोई ऐसा पदार्थ, मैं देखो सभी पदार्थ ऐसे नहीं है उष्मा उत्सर्जित करें और सभी पदार्थ ऐसे नहीं है कि उष्मा अवशोषित करें, तो कुछ पदार्थ अवशोषण करने वाले होते हैं कुछ उत्सर्जन करते हैं। तो जब कोई पदार्थ उष्मा उत्सर्जन के साथ घुलित होता है तब हम अगर टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो उसकी विलयता घटती है उष्मा उत्सर्जन के साथ। अगर इसके वाइस वर्सा ले हम इसके विपरीत कि यदि कोई पदार्थ उष्मा अवशोषण के साथ घुलित होता है अगर उसके टेम्परेचर में हम तब वृद्धि करें तब उसकी विलयता में वृद्धि होगी, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं वृद्धि कैसे होगी कैसे घटा। तो देखो माना कोई पदार्थ है यदि और वो जल में
तो रिएक्शन है आपकी ए बी सॉलिड है कोई, ठीक है, और इसमें एग्नोस्टिक के साथ अगर क्रिया कर रहे हैं तो जो पदार्थ बन के आया वो एग्नोस्टिक को इससे हमारी उत्पन्न है। ताप में वृद्धि करने पर साम्य को उस दिशा में विस्थापित होना चाहिए कि जिस दिशा में यह उत्पन्न ऊष्मा के प्रभाव को नष्ट कर सके या समाप्त कर सके। मतलब सीधा सीधी बात यह है कि अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हो तो आपका साम्य जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन साम्यावस्था वो उधर विस्थापित होनी चाहिए जिधर ऊष्मा के जहां से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसके प्रभाव को समाप्त कर सके, ठीक है। अतः ताप में वृद्धि करने पर अगर आप ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो साम्य बाई ओर स्थापित होगा, बाई ओर मतलब ऐसे नहीं है तो साम्य होगा इधर क्योंकि आप उसमें दे रहे हो उधर, ठीक है। और पदार्थ की विलयता क्या होगी, कम हो जाएगी, पदार्थ की विलयता कम हो जाएगी क्योंकि साम्य आपका बाई ओर आ गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि जब कोई पदार्थ ऊष्मा अवशोषण के साथ गुणित होता है, पहले उत्सर्जन के साथ और अवशोषण के साथ, तो ताप में वृद्धि करने पर उसकी विलयता में वृद्धि हुई। इक्वेशन को देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसी ए भी सॉलिड है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस अंतर यहाँ पे ऊष्मा है प्लस करिए, यहाँ ऊष्मा माइनस, ये क्या है प्लस माइनस क्या है, यहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जन है ऊष्मा निकली, यहाँ ऊष्मा अवशोषण है तो इसमें इसे लेनी पड़ी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हमने टेम्परेचर में वृद्धि करी, टेम्परेचर में वृद्धि करने पर साम्य जो है वो दाई ओर स्थापित, दाई ओर स्थापित होना चाहिए अगर हम टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, ठीक है। क्यों होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दाई ओर होना चाहिए, ठीक है। और ताप में वृद्धि करने पर हो क्या रहा है, पदार्थ की विलयता में वृद्धि हो जाएगी। तो सीधी सीधी बात इसमें एक आपको फैक्ट याद रख लेना है सीधी सीधी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है उसकी दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, लाचा चलिए के नियम के अनुसार उसकी अवशोषण की दर और उसके उत्सर्जन, मतलब अगर उत्सर्जन के साथ गुणित हो रहा है तो विलयता घट जाएगी, अगर अवशोषण के साथ गुणित हो रहा है तो विलयता बढ़ जाएगी। टेम्परेचर में इंक्रीजिंग कर रहे हैं दोनों बार, भाई उसमें भी इंक्रीज करके देखा इसमें भी इंक्रीज करके देखा, ठीक है। और अगर वाइस वर्सा देखा तो इसकी अपोजिट होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये आपकी वीडियो कंप्लीट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले